आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आपका एमपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, अब पेपर कब होता है, कब से फॉर्म भरेंगे, इसके बारे में अभी तो जानकारी दे दी गई है, लेकिन आगे क्या होता है ये तभी बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक आशा बन चुकी है, कम से कम आपके सामने वैकेंसी आ तो चुकी है, तो इसके लिए आपकी पढ़ने का जो जुनून है वो बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे आप लोग कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो कोई, या फिर आपका कोई भी वन डे एग्जाम हो, तो उसकी मेन साइट पर आप लोग जाया करिएगा, ठीक है। तो अब देख, जैसे आप लोगों को एमपी पुलिस का देखना है तो आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर खोल सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है एमपी पीई बी, ये क्या रहता है कि मेन साइट पर सही जानकारी आपको मिलती है। इसमें आप लोग मेन ये ऊपर जो लिंक दी गई इसी को आप लोग खोलेंगे, तो इसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आप जो अच्छा लगे। यहाँ आपको देख दिया गया है सूचना, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग की भर्ती हेतु तो भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लें। तो ये है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात और हमेशा याद रखिए आप लोग, अभी कई लोगों का कहना है कि ये सीईटी की बात आपने देखा है, कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान साहब ने, आपके सीएम साहब ने कहा था कि मैं सीईटी के तहत जो कॉमन एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके तहत करवाएंगे, तो अभी इसमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि अभी देख रहे हैं बाकी भी कहीं लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो याद रखिए, जो एनआरए एजेंसी थी ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो इसके तहत नहीं होगा, ये अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए। अभी जो आपका पुराना पैटर्न है उसी पर करवाया जाएगा, ठीक है, और याद रखिए वही सब पैटर्न रहेगा। तो ये आप देखेंगे कि इसमें विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि 25/11/2020 को, यानी कि इसमें और संभावित जो भी रहेगा जानकारी विस्तृत 25/11 तक आपको उपलब्ध हो जाएगी, 2020 की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से भरेंगे, तो याद रखिए 24/12/2020, यानी कि 24 दिसंबर से फॉर्म भरने की बात की जा रही है। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता था कि अब वैकेंसी आएंगी आपकी, क्योंकि चुनाव है आपका, और आप जानते हैं कि चुनाव नेता, इसी से एक तरह से आप कहिए कि चुनाव की वजह से मान लीजिए वैकेंसी मिल चुकी है आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि की बात करें अगर हम लोग, तो ये 7/11/2021, ठीक है, अंतिम तिथि है जनवरी, 7 जनवरी 2021, ये होगा 24 से शुरू और जाके खत्म होगा 7 जनवरी तक चलेगा। आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि, वैसे तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग एक से दो बार जब भी फॉर्म भर रहे हो चेक कर लिया करिएगा, गलती ना हो कहीं आपकी, ठीक है, क्योंकि यही एक तरह से आगे बढ़ने का जरिया है। आप जैसा फॉर्म भरते हैं आगे प्रॉब्लम होगी इसमें, फिर आप लोग परेशान होंगे, तो इसलिए 102 बार आप लोग आराम से चेक कर लिया करिएगा, ठीक है। तो ये 12/1/2021 तक दी गई है। परीक्षा की तिथि की बात करें कि एग्जाम कब होगा आपका, तो ये होगा 6 जनवरी, माफ करिए 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगा। तो आपका फॉर्म भरा जाएगा 24 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक चलेगा ये। संशोधन करने की तिथि रहेगी 12/1/2021, परीक्षा होगी आपकी 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी, ठीक है। एक सामान्य जानकारी आपकी, इसका हम पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या आप लोग मेन साइट से भी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपके कुल बताए जा रहे हैं कि 4,000 पद रहेंगे, और जिनमें एक बात यहाँ हमेशा याद रखिए, जिनमें परिवर्तन संभव है, यानी कि आगे बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, तो घटाने की संभावना तो कम ही रहेगी, लेकिन हो सकता है कि बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, तो आप समझिए कि तिथियां ऊपर दी गई हैं, इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं, ठीक है। पदों की विस्तृत जानकारी, आयु सीमा संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.pev.mp.government.in पर उपलब्ध है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें क्या है, ये क्या है, तो विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या की बात करें, तो इसमें आपको रेडियो कांस्टेबल देखने को मिलेंगे, इसमें ए ओपन और जो पुराने एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 10%, एचजी यानी कि होमगार्ड के 15%,
फीमेल के लिए 33% टोटल दी गई है। यू आर का मतलब होता है आप जानते हैं, यू आर क्या होता है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना, अनारक्षित सामान्य वर्ग, उसकी बात कही जाए। ओबीसी आप जानते हैं पिछड़ा वर्ग, एससी आप जानते हैं, एसटी ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति एसटी, और ईडब्ल्यूएस ये आप जानते हैं कि अनारक्षित, जो अभी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग था ना, 10% व्यवस्था की गई थी, उन्हीं की बात करें, ये टोटल है आपकी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ओपन मतलब रहेंगी ये जनरल के लिए 16, ओबीसी के लिए 16 और एसटी के लिए 9 और एसटी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 6% सामान्य वर्ग में। ठीक है, इस तरह से टोटल 58 रहेंगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 4 सीटें और ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल 14। और एचजी की बात बता दें हम तो ए होम गार्ड होता है, तो इसमें 6 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 4 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पर 21 टोटल रहेंगे। फीमेल के लिए 33% आप जानते हैं आरक्षित है, ये अच्छी व्यवस्था है एक तरह से, लड़कियों के लिए काफी मदद भी मिलेगी इससे। तो जनरल के लिए 12, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस यानी कि वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जो, तो उनके लिए 5, 45 टोटल रहेगी। टोटल आप देखेंगे टोटल 38, ए भी 38, ओबीसी के लिए 38, एसटी के लिए 38, 27 एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस 14, 138 टोटल आपकी रेडियो में रहेंगी। अब बात करते हैं अदर देन रेडियो, इसके अलावा भी, तो कॉन्स्टेबल इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और टोटल हो गया। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए, इन्हें इनका फुल फॉर्म बता दिया है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये कुल है आपकी 3862। इस तरह से आप देखेंगे रेडियो और अदर देन रेडियो, 138 आपने रेडियो में देखी है और 3862 ए, ठीक है, अदर देन रेडियो, तो इसमें टोटल 4000 आपकी वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, इनको भी विभाजित किया गया आपका, तो इन्हें भी अपने हिसाब से देखते रहिए। ठीक है, और आयु की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग कि कहने का मतलब है कि आपको जो निर्धारित आयु की गई है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये आपकी 1 अगस्त 2020 को के हिसाब से गणना की जाएगी। ठीक है, एक तरह से आप मान लीजिए कि आपको 18 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तो 1 अगस्त मतलब आप समझिए कि 1 अगस्त 2020 को अगर आपकी 18 वर्ष होती है उम्र, तभी आप फॉर्म यानी कि फॉर्म डाल दें जैसे तैसे, लेकिन आप तभी मान्य होंगे इसके लिए। ठीक है, वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा। वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी, उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जाएगा। आयु सीमा में अधिकतम छूट की बात करें तो सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु सीमा वर्ग है। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 33, आरक्षित ये महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, आरक्षित श्रेणी पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो सामान्य वर्ग के पुरुष है उनकी उम्र 18 की जब हो जाएंगे तब डाल सकते हैं और ये 33 साल तक डाल सकते हैं, लेकिन महिला आवेदक जो अनारक्षित सामान्य वर्ग की जो महिला है, या फिर आप देखेंगे आरक्षित वर्ग में और भी आपके जो भी है पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, तो इनके लिए 18 वर्ष कम रखी गई है सबसे कम, और 38 वर्ष तक ये लोग पेपर दे सकते हैं इसे। ठीक है, ये शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक भी इतनी ही उम्र रखी गई है। ठीक है, प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट की बात करें तो विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई अगर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है, आप जानते हैं विक्रम पुरस्कार एमपी में आप लोग काफी सुनते भी रहते हैं, तो उसे 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी आप जनरल के हैं और आपको विक्रम पुरस्कार मिल चुका है, तो ये 33 में 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि 38 वर्ष तक आप लोग फॉर्म डालने की योग्य होंगे। ठीक है,
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि कोई ST SC का है, उसने जनरल से शादी कर ली है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, जनरल उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में, या उच्च जाति का कोई पति है उसने, तो उसे 5 साल की छूट भी दी जाएगी। प्रोत्साहन स्वरूप सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाली एक आधार के लिए छूट मिलेगी। ये भूतपूर्व सैनिक यानी कि पहले जो सैनिक रह चुका है उनकी भी बात की जा रही है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि अभी सीधी सी बात है कि आपका पुराना सिलेबस रहेगा तो उसे ही आप लोग कवर करिए, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपका कोई बदलाव होगा, ठीक है? तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। और GS के लिए आपका जो भी है आप लोग बताइएगा, आप मैसेज करके बताइएगा, कोई कमी रह गई कंप्यूटर साइंस हो, फिर चाहे आपका कोई भी GS में कोई भी हिस्ट्री यानी कि इतिहास हो, आपका संविधान हो, आपका भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो आपकी, ये सभी बहुत अच्छे सीधे साधे शब्दों में बता दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका कोई जाएगा, तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। और एक बात और बता दें, MP मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को भी कवर करवा दिया गया है, तो उसे भी PDF मतलब प्लेलिस्ट सूची में सब कुछ डाला हुआ है। तो GS के लिए आपको कहीं किसी के पास मदद के लिए नहीं जाना है, ठीक है? जितनी भी PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी है। और GS तो इतना कह सकता हूँ कि GS इतना पढ़ लोगे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वन डे एग्जाम की छोड़िए, आपका सिविल सर्विस और स्टेट PCS तक का GK कवर करवा चुका हूँ, जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका कवर करवाया है। MP प्लस छोड़िए, MP का कोई एग्जाम छोड़िए, MPPSC मेंस तक आप उससे पढ़ के दे सकते हैं। तो एक आपको GS के लिए, GK के लिए यानी कि इतिहास हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका विज्ञान हो गया, आपका राज्य व्यवस्था हो गई, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, मध्य प्रदेश GK हो गया, इसके लिए किसी के पास आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और करना भी मत। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं परेशानी आ रही, तो एनी टाइम यानी कि कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं और मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके पास अगर पैसा है बर्बाद करने का तो किसी गरीब को आप लोग पढ़ा दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, लेकिन GK GS के लिए आप चाहे IAS की तैयारी करें या UPPCS की, UP MPPSC की, बिहार PSC की, या भी किसी एग्जाम की, एनी एग्जाम कोई भी हो, तो उसके लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं, ठीक है? GS में आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना, ना किसी को देना है। अगर आपके पास शहर जाना है तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग किसी गरीब की जिसे मदद की जरूरत है उसे कर देना। PDF जो भी है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा, और जो भी आपको लगती है कि कोई नई बुक है जो आपको नहीं मिल रही है उसका भी नाम बताइए, उसे भी उपलब्ध करवाकर PDF में बदल के आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? अगर मेरी तरफ से हर संभव कोशिश रहेगी आपकी मदद करने की, ठीक है? तो बताइए आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही हो, और आप लोग लग जाइएगा, मुझे लगता है क्योंकि मैंने अभी जितने लोगों को देखता हूँ, जितने लोगों की हालत देखता हूँ, बहुत हालत बिगड़ी हुई है, क्योंकि आप देखें कि लॉकडाउन ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो इसलिए थोड़ी भी अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, तो और जो भी आपकी समस्या हुआ करेंगे, फेसबुक पेज है आपका, आपके पास, आप देखते हैं कि आपके पास GMAIL ID है, वहाँ भी नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए खुले हुए हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या है, आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हैं आप बताइए, कोशिश रहेगी। देखिए, ये नहीं कह सकते कि 100% सॉल्यूशन समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।